और ये देखिए मतलब नया फूल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये फूल। इतने लोग काम के हैं, तमाम यहाँ पे टीम खड़ी हुई है, बन रही है हमारे साथ। ये देखिए लड़का बहुत अनार खा रहा है और जहाँ पे देख रहे हैं तहाँ पे तोड़ रहा है। देखिए महाराष्ट्र में एक चीज़ है आपको खाने के लिए कोई। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अनार के बागवान में, अनार का बागवान दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से अनार का बागवान में अनार लगाया गया है, अनार का फार्मिंग कैसे करते हैं आपको बताएंगे। तो हमारे साथ बन रही है, हमारे साथ में अवधेश अंकल और वही पुराना घिसा पीटा हमारा पप्पू रॉय, देख सकते हैं बिल्कुल स्टाइलिश में खड़े हैं वो। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, दिखाएंगे आपको अनार का खेती। तो मिलते हैं अनार के खेत में जाकर। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं अनार के बागवान में, शेड नेट के पीछे है जो देख रहे हैं, अभी शेड नेट बना है इसके जस्ट पीछे है। और अभी देखिए एक काम किए है वशिष्ठ और संदीप जी, ये दोनों आदमी मिलकर, दोनों आदमी नहीं, इनके अंडर में काम हुआ है, ये अपनी टीम से काम करवाते हैं। इनके लड़के लोग ने काम किया है तो इन्होंने बोला ये भी दिखा दीजिए। तो ये देखिए इसके अंदर काकड़ी लगाया गया है, नहीं काकड़ी लगाया गया है इसके अंदर, उसका बीज लगाया गया है इसके तो। और ये देखिए इसमें भी मल्चिंग किया गया है। तो यहाँ पे जितना भी आप खेती देखेंगे उसमें सब में आपको मल्चिंग सिस्टम मिलेगा, मल्चिंग सिस्टम और ड्रिप सिस्टम दोनों मिलेगा आपको। ऊपर देख सकते हैं आप फॉगर सिस्टम लगाया गया है और नीचे में ड्रिप सिस्टम लगाया गया है। अभी अभी एक काम ख़त्म हुआ है, काम ख़त्म मतलब हो गया 5-6 दिन में ख़त्म करके काम, और काम ख़त्म करने के बाद हम किसान को हैंड ओवर कर देते हैं। किसान अपना इसमें पौधा लगाता है मल्चिंग वगैरह बिछा के, हमारा काम रहता है इसको पाइप लगाना, फाउंडेशन करना, नेट मारना और ड्रिप सिस्टम करना, इतना ही हमारा काम रहता है। और देखिए जितने लोग काम किए हैं वो तमाम यहाँ पे टीम खड़ी हुई है। चलिए अभी लेकर चलते हैं आपको अनार के बागवान में, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। ये बाहर से देख सकते हैं शेड नेट कैसा दिखता है, और इसके साथ में टंकी पानी स्टोर करने के लिए दिया जाता है। जिसके पास बावड़ी नहीं है तो शेतकड़े लोग इसमें पानी स्टोर करके और शेड नेट के अंदर छोड़ते हैं। फ्लैट शेड नेट है ये, पूरा सादा सिंपल है, और एक टर्नल शेड नेट होता है वो गोल राउंड ऊपर होता है। तो ये देख सकते हैं बाहर से नज़ारा, और देखिए अंदर मल्चिंग। तो चलिए वो दिख रहा है अनार का बागवान, चलेंगे अभी आपको उसमें लेकर के, बन रही है हमारे साथ अनार का बागवान। ये देखिए बिल्कुल लाइन्स लगाया गया है, और ये अनार का देखिए साफ नहीं किया गया है इसके अंदर बीच में, इसमें भी रास्ता छोड़ा जाता है ट्रैक्टर से स्प्रे करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए। और ये 3 एकड़ में फैला हुआ है, देख सकते हैं उधर तक और हमारे पीछे भी उधर ऊपर। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, इसमें भी देख सकते हैं आप जीआई वायर से बांधा गया है, ड्रिप सिस्टम भी किया गया है इसको। और ये बारिश की वजह से इस पर ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि बारिश में स्प्रे देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये देख सकते हैं ऊपर भी, और ये देखिए ये पूरा 3 एकड़ में फैला हुआ है, इसके ऊपर भी है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, कहीं पे अनार आया होगा तो दिखाएंगे आपको। और ये देखिए अनार का फूल देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पूरा फूल पकड़ा है अभी अनार। और मैं इसको इसमें आपको दिखा सकता हूँ, देखिए जीआई वायर जो कि इसको बांधा गया है, ये बांबू लगाया गया है, नीचे ड्रिप सिस्टम किया गया है, देख सकते हैं आप इसको भी, ये देखिए। और ये देख सकते हैं पूरा मतलब ये बारिश की वजह से ध्यान नहीं दिया गया है, बारिश के देखिए जंगल भी हो गया है, अभी इसको साफ सफाई करवाएंगे सबसे करी। ये देखिए अनार दिख रहा है आपको, देख सकते हैं।
और ये देखिए ये 3 एकड़ में फैला हुआ है, इसके ऊपर भी है, आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। और देखिए सब सूख गया है, ऊपर वाले प्लॉट में ज़्यादा है, तो ऊपर वाले प्लॉट में ज़्यादा अनार आया है जैसे कि लड़के बता रहे हैं। तो चलिए देखिए, पौधा सूख गया है, एक पूरी तरह से पौधा मर चुका है, और पानी की वजह से सूखा है या बारिश में सूख गया है बता नहीं सकते हैं। ये देखिए, तो चलिए ऊपर वाले प्लॉट में लेकर चलते हैं, यहाँ पे अनार आया है, वहाँ पे तमाम अनार है, सब ये लड़के खा रहे हैं। देखिए क्या जी खा रहे हो, ये देखिए। तो चलिए, पप्पू भाई बोल रहा है कि इधर से चढ़ने वाला है ऊपर, जो कि मैं रास्ते से गया था, लेकिन इधर पीछे से बैक से जाएंगे। बन रही है हमारे साथ, ये देखिए लड़का बहुत अनार खा रहा है, और जहाँ पे देख रहे हैं तहाँ पे तोड़ रहा है। देखिए महाराष्ट्र में एक चीज़ है आपको खाने के लिए, कोई बशर्ते आप नुकसान मत कीजिए किसी भी चीज़ को। ये देखिए अब ये सब छोटा छोटा है ऊपर वाले प्लॉट में, ये भी देखिए, ये भी झाड़ सूख चुका है। और ये देखिए, देख सकते हैं आप, और ये देखिए मतलब नया फूल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा ये फूल। अभी इसको स्प्रे कर देंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल लाल, देख सकते हैं आप। चलिए इनको कहीं पे खरगोश दिख गया है, और ये देखिए अनार तो चलिए वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन में वीडियो दिखाने के। ये देखिए, ये देखिए सब पक गया है, और ये देखिए खा रहा है इसमें से लाल दाना। तो चलिए ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।